नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पब्लिक ऐप का रिपोर्टर संतोष कुमार पार्थ। आज हम जानेंगे कि बदलते परिवेश में आज ऑनलाइन का क्या स्थिति है, क्या प्रभाव है। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के हिलसा उपशाखा के कोषाध्यक्ष आलोक सर। बताइए सर कि प्रभाव जो पड़ रहा है ऑनलाइन का, वो कितना प्रभाव पड़ रहा है? सर्वप्रथम संतोष जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत सारे पब्लिक से जुड़े समस्याओं को लेकर पब्लिक के पास आते हैं और उसे मूलभूत रूप से दिखाते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, ऑनलाइन के बदलते परिवेश में प्रभाव, आज जो लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन स्टेज टू के बाद बाज़ार खुली है, मार्केट वो जहाँ के भी हो, आप हर जगह के मार्केट को देख रहे हैं, कहीं भी दुकानदार दुकान में कस्टमर की कमी है या फिर भीड़ भाड़ नहीं है, जो जैसे प्रॉब्लम है, उसमें ऑनलाइन का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। लोग क्षणिक पैसे के लिए या कहिए सस्ते सामान के चलते कि कुछ मेरे को डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा, आदमी लोग जो है ऑनलाइन पे खूब दौड़ते हैं। और रह गया मेरी दवा के व्यवसाय के बाद, तो दवा व्यवसाय को भी, दवा व्यवसाय में भी कुछ कंपनियां जैसे फार्माइजी है, नेटमेड है या 1MG है, इन लोग का पाता है, वो डायरेक्ट कस्टमर को दवा सप्लाई करते हैं। उसमें स्टार्टिंग में तो पहले जब वो कंपनी आई थी तो कोई भी कोल्ड चेन या किसी तरह का कोई उसमें व्यवस्था नहीं थी, सारा बस इस टाइप से सप्लाई हो रहा था। लेकिन हमारा जो संस्था है ऑल इंडिया लेवल की, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन, ने इसका लगातार विरोध किया। उसके विरोध के स्वरूप कुछ दिन हम लोगों का विरोध प्रदर्शन, दवा दुकान बंद भी रही थी, उसके चलते आज वो कोल्ड चेन वाली दवाएँ देना बंद कर दी, ठीक है, बाकी दवा सप्लाई कर रही है। लेकिन वो तो बस सब दवा सप्लाई कर दी है, स्टार्टिंग में आदमी को लोगों को 20% 10% जो भी 15% करके डिस्काउंट देके लोगों को लगता है कि मैं क्षणिक सुख पा लिया, क्षणिक पैसा मेरे को अच्छा बच गया। लेकिन एक खुदरा दुकान, जैसे मैं लक्ष्मी हॉल का संचालक हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि अगर मैंने किसी कस्टमर को 10 टैबलेट बेचा तो लास्ट टैबलेट तक वो अगला 3 महीना या 2 महीना तक भी लाएगा, 4 महीना तक भी लाया, लास्ट टैबलेट तक उसे अनसोड है, वो हम लोगों के पास लौटाता है। लेकिन ऑनलाइन कंपनियाँ सिर्फ 8-10 दिन का समय देती है, जिसमें आपका दवा लौटा या नहीं लौटा, बर्बाद हुआ उससे तो कोई मतलब नहीं, बस वो स्टार्टिंग में पैसा कमा लिया, अपना एक रूम रखे हुए है उसमें से वो सारा सप्लाई हो गया। जो दुकान संचालक चला रहे हैं उनके पास खर्च है, उनका स्टाफ है, कंप्यूटर लेबोरेटरी या कंप्यूटर का उसका स्टाफ होता है, जो भी चीज़ उसमें खर्च है, इन सब सारी चीज़ों में कुछ महंगा तो पड़ेगा ही। और बाकी कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे दुकान से कस्टमर लौटें, हर कोई चाहता है कि बिना से लेके जाएं। अगर आप किन्हीं को भी सार्थक रूप में उनको बोलेंगे तो कोई ना कोई, हर कोई कुछ ना कुछ डिस्काउंट में देता है और लौटाना कोई नहीं चाहता है, तो अफेक्ट तो भाई है हम लोग के दवा व्यवसाय में संतोष जी, इसमें कहीं कोई रोल नहीं है, अफेक्ट है। ऑनलाइन का प्रभाव दवा क्षेत्र में है, और भी क्षेत्र में बाजारों में भीड़ नहीं दिख रही है, अन्य सेक्टर में या शिक्षा जगत में बहुत सारे चीज़ ऑनलाइन हो गया है, फिर भी अभी तक जैसे फॉर्म वगैरह भरना है तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा संतोष जी कि लोगों को लगता है कि ठीक है, मैं अगर कपड़ा व्यवसाय हूँ तो मैंने फ्रिज खरीद लिया, चलो मैंने सस्ता फ्रिज खरीद लिया, फ्रिज दुकानदार समझ रहे हैं कि चलो मैंने कपड़ा खरीद लिया या मैंने दवा खरीद लिया, उनको लग रहा है कि मैं खुद का अपना बिजनेस बचा के दूसरों को प्रभावित कर रहा हूँ। लेकिन वो एक दूसरे के प्रति, वो स्टाफ का जो मेंटलिटी है, एक दूसरे के प्रति जब तक कोऑपरेशन की भावना नहीं होगी तो हर एक दूसरे को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यही चीज़ पूरे मार्केट को, पूरे व्यवसाय को चौपट कर रही है। आने वाले दिनों में अगर इसमें कोई सुधार नहीं हुई तो या इसमें कहना कोई शक नहीं होगा कि छोटे दुकानदारों की मौत कर सकते हैं, छोटे दुकानदार एकदम असमर्थ हो जाएंगे सामान बेचने की तुलना में। आने वाला जिस तरह से ऑनलाइन का विरोध हो रहा है, ऑनलाइन सब जगह प्रसार रही है अपना, उसका विरोध हर जगह हर स्तर पर होना चाहिए, तभी जो है कि वो हर दुकानदार अपना स्टेटस बचा पाएगा, नहीं तो आगे चलना बड़ा मुश्किल होगा जिस तरह का वो बिजनेस कर रहे हैं हर जगह में। यानी ऑनलाइन का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, ऑनलाइन का प्रभाव अच्छा खासा है संतोष जी, उसमें कहीं कोई नहीं है कि ऑनलाइन का प्रभाव नहीं है, ऑनलाइन का प्रभाव अच्छा है। अब देखिए, अगर एक कस्टमर ऑनलाइन से सामान खरीदता है, 100 बार 50 बार भी खरीद लेगा, उसके पास उसके लिए कोई संपत्ति नहीं है। अगर कोई दुकानदार के पास वो 3-4 बार ही दवा खरीदता है, सामान खरीदता है कोई भी सामान, और दुकानदार अगले को एक मुस्कुराहट जरूर देता है, एक मुस्कुराहट देकर उसका स्वागत जरूर करता है, एक अपनापन, एक भाईचारा का संदेश जरूर देता है कि आने वाले दिनों में कभी किसी तरह की परेशानी होगी तो वो दुकानदार आपको परिचित है, वो दुकानदार आपको पहचान रहा है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो बस लोग यही समझ रहे हैं कि मेरे को सस्ता पड़ रहा है, बाकी सारी सुविधा खत्म, पूजा पर्व कोई भी पंडाल या कोई चीज़ में होता है कि चंदा बंदा सब तरह की चीज़ सब वो कवर करते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन वाले कुछ ही कवर करते हैं, इसलिए उसका प्रभाव है और उसके ऊपर थोड़ा सारे लोगों को अपने तरह सोचना चाहिए।